Assalamualaikum, मैं हूँ वाजिद खान और मेरे साथ हैं ज़ीनिया अज़ार, she's from Turkey and as you can see बहुत प्यारी स्किन है और हम बहुत सॉफ्ट मेकअप करेंगे। किस तरीके से सॉफ्ट मेकअप करते हैं, किस तरीके से अपना खुद मेकअप करना चाहिए आज हम आपको बताएंगे। कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। ओके, सो नाउ वी हैव ज़ीनिया, हमने ये मैक का MC 15 लिया और क्विक हम आपको मेकअप सिखाएंगे करना। हल्का सा हमने हाथ पे ले लिया इस तरीके से करके और ब्रश की मदद से पूरे फेस के ऊपर लाइक दिस सी, ब्रश की मदद से हमने पूरे फेस के ऊपर क्विक ब्लेंड करना है। मेक श्योर करें जब आप ब्रश की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो बहुत सॉफ्टली आप उसको ब्रश को चलाएंगे ताकि जो प्रोडक्ट है वो आराम से ब्लेंड हो जाए स्किन के साथ, अदरवाइज क्या होता है वो उतरना शुरू हो जाता है। सी सॉफ्टली, अच्छा ये ब्रश भी मैक का ही है और मैक का MC 15 है जी। एज यू कैन सी वेरी सॉफ्टली हल्के हाथों से हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं और ज़ीनिया को बहुत ज्यादा फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, तो हम हल्का हल्का सा जो फेस पे लगा रहे हैं उसी को हम मैक पे करेंगे क्योंकि ये हम बहुत एक सॉफ्ट इवनिंग मेकअप कर रहे हैं, पोर्टफोलियो मेकअप कर रहे हैं फॉर स्टिल्स। अब फिंगर की मदद से उसको पूरा ब्लेंड करेंगे लाइक दिस, इस तरीके से हम ब्लेंड करेंगे। क्योंकि जो ज़ीनिया की स्किन टोन है वो थोड़ी सी येलोश पे है तो हम अंडर आई बहुत ज्यादा कवर नहीं करेंगे। हम इसलिए कवर नहीं करेंगे, अगर हम बहुत ज्यादा कवर करेंगे अंडर आई तो चाइनीज आंखें लगने लगेंगी छोटी, तो हल्का सा पिंकी जो उनका नेचुरली जो डार्क सर्कल का शेडो है वो नजर आने देंगे हम उसको, ताकि एक नेचुरल फील आए और खूबसूरत लगे। उसके बाद हमने क्या करना है, पाउडर की एप्लीकेशन। अब कोई फायदा नहीं ब्यूटी ब्लेंडर का। अब हम मैक के MC 15 स्टूडियो फिक्स फेस पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर करेंगे पूरे जी आंखों के नीचे थोड़ा, अच्छा पाउडर थोड़ा सा ज्यादा लगा लें क्योंकि पाउडर उड़ जाता है। मेरा फेस नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये लोगों को ये चाहिए, मेरा फेस का इतना मैटर नहीं है, लोगों को ये सीखना है जी। हल्का सा आंखों के नीचे लगाएंगे, उसके बाद हम बड़े ब्रश की मदद से इसी पाउडर को हम बेक पाउडर की तरह यूज करेंगे पहले आंखों के नीचे अंडर आए टी जोन पे और हल्का सा चीक्स पे। उसके बाद हमने कॉन्टोरिंग कर दी है। अच्छा अभी ये कह रही थी कि मेरा फेस थोड़ा सा ब्रॉड आता है, वीडियो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं हल्की सी फाउंडेशन लगाई है और सारी चीज़ होना शुरू। अब हम कॉन्टोर करेंगे, कान के सेंटर से एक लाइन हमने क्रिएट किया लाइक दिस और हल्का सा उसको ब्लेंड करेंगे एंगल में लाइक दिस। सी अनदर साइड, चन के ऊपर करेंगे कॉन्टोर और हल्का सा हम नाक को शार्प करेंगे तो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी सी नाक है, छोटा सा टिप है खूबसूरत सा। बड़े ब्रश की मदद से हम उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि कोई पैश ना हो, अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, हल्का सा यही हमारा जो मैक का फाउंडेशन है थोड़ा सा हम आंखों पे लगाएंगे लाइक दिस और दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से लगाएंगे। उसके बाद हमें पाउडर पफ की मदद से हल्का सा आंखों के ऊपर करना है और एक छोटे ब्रश की मदद से हम डार्क ब्राउन शेडो लेंगे और हल्का सा हम सिर्फ आई के कॉर्नर पे लगाएंगे लाइक दिस एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं। उसके बाद हम बड़े ब्रश की मदद से उसको हम ब्लेंड करेंगे लाइक दिस इधर पे कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर पे और कुछ नहीं।
लाइक दिस। उसके बाद हमने क्या किया, एक छोटे ब्रश की मदद से उसी ब्रश के साथ हमने क्या किया, नीचे डार्क ब्राउन लगाया ऊपर। अच्छा मेक श्योर करें सिर्फ कॉर्नर पे करना है, हमें आगे नहीं जाना ताकि आंखें खुली भी लगे। सी और उसी को हम बड़े ब्रश की मदद से ब्लेंड करेंगे ताकि आंखें और डिफाइन हो जाए। सी अब एक लाइटर शेड लेंगे हम। अच्छा मेक श्योर करें जब हम पोर्टफोलियो कर रहे होते हैं या हम हमें बहुत ज्यादा लाउड नहीं चाहिए, तो हम मैट फिनिश है, हल्का सा पिंक पाउडर पिंक कलर है, हम आंखों के लिड पे इस तरीके से पूरा भर के लगा देंगे ताकि आईलिड एनहेंस हो जाए। सी और फिर बड़े ब्रश की मदद से उसको हम ब्लेंड कर लेंगे लाइक दिस। सी अब हमें क्या करना है, आईब्रो बनानी है। अच्छा आईब्रो हम थोड़ी सी थिक बनाएंगे स्ट्रेट करके, या लाइक दिस ऊपर से। आपको समझ में आ रहा है, यू लाइक इट, यू वांट टू सी क्लोजर लुक, वाओ सी बहुत ज्यादा। ठीक है दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से करेंगे। अगेन हमने छोटा ब्रश के साथ वो डार्क ब्राउन जो हमने पैलेट में से निकाला था कलर, हम सिर्फ एंड पे लगाएंगे लाइक दिस और बड़े ब्रश की मदद से हम उसको ब्लेंड करेंगे। आउटर साइड पे करेंगे लाइक दैट। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने दोबारा दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से करेंगे, डार्क ब्राउन ऊपर देखिए एंड पे हमने लगाया इस तरीके से करके, और हमने इतना ब्लेंड कर दिया कलर पता नहीं चलेगा कहाँ से शुरू है कहाँ तक खत्म। उसके बाद अगेन हमने वही पाउडर पिंक शेडो लिया और आंख के लिड पे इस तरीके से करके लगा दिया भर के। और फिर हमने उसको इस तरीके से ब्लेंड कर दिया, अगेन हमने पाउडर लिया हल्का सा और हल्का सा ये कर दिया। सी हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया, हम आईब्रो बनाएंगे दोबारा से दो लाइन। ओके आईब्रो बनाएंगे हम, ये MM का एक पैलेट है आईब्रो का, सिर्फ हमने नीचे लाइन क्रिएट की लग गए और ऊपर लग गए। उसके बाद हमने क्या किया, हाइलाइटर लगाएंगे This is my favorite, बेका का हाइलाइटर है। फिंगर टिप की मदद से मैंने हल्का सा नाक के सेंटर में लगाया, हल्का सा फोरहेड पे लगाया। एंगुलर ब्रश की मदद से हमने चीक्स को हाईलाइट किया, हल्का सा नाक के सेंटर में, लिप के सेंटर में, और as all you can see, हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और अब हम इसको हल्का सा ब्लेंड करेंगे। और कुछ चाहिए क्योंकि हमने हमारा पूरा मेकअप कंप्लीट हो गया, अब हम लिपस्टिक लगाएंगे, हल्का सा अंडर आई करेंगे पाउडर को क्योंकि पाउडर उड़ जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, मैट का हम लिप कलर लगाएंगे लिया। उसके बाद मैंने क्या किया,
ठीक है, बिल्कुल नेचुरल सा न्यू सा कलर है। हमने इसको इस तरीके से करके लगाने, आप खुद लगाते हो लगा दो ना। ओके, हमने हल्का सा शेप दे दिया यहाँ पे। आउटर साइड से हल्के से लिफ्ट बढ़ाएं ताकि हमारा लिप कलर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, ओह माय गॉड, एज यू कैन सी हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए, ये देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेकअप पसंद आया होगा। जो लोग मेरे से मेकअप सीखना चाहते हैं, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ब्यूटीफुल, आई लव इट। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।